हाय एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है रेडॉक्स रिएक्शंस। बच्चों को बहुत दिक्कत आती है, इसे सिंपली हम डिस्कस करेंगे कि पेपर में कि कैसे हम क्लियर करें। तो एनडीए टेक्निकल में बहुत बार इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आज का हमारा टॉपिक है रेडॉक्स रिएक्शंस। रेडॉक्स क्या है? रेडॉक्स रिएक्शन वो जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो एक ही रिएक्शन में। उसको हम क्या बोलते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन मतलब अ टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर्स साइमल्टेनियसली, उसको बोलेंगे हम रिडॉक्स रिएक्शंस। ठीक है, समझ में आया कि रिडॉक्स रिएक्शन में एक ऑक्सीडेशन हो रहा है, एक तरफ रिडक्शन हो रहा है, उसको हम रिडॉक्स रिएक्शन बोल रहे हैं। अगर हम टर्मिनोलॉजी के हिसाब से चले डेफिनेशन, तो क्या लिखेंगे? आर द रिएक्शंस, चेंज कर लेते हैं, आर द रिएक्शंस इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर्स साइमल्टेनियसली। ठीक है, इसको बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। तो अगली चीज आती है कि ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है, ये तो जरूरी है ना समझना। तो अब पहले लिखते हैं हम ऑक्सीडेशन। अगर हम मॉडर्न कॉन्सेप्ट के बारे में चलेंगे, तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट कहता है ऑक्सीडेशन इज डिफाइंड एज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। बट पेपर में क्लासिकल से भी पूछा गया है, क्लासिकल में हम क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन क्या है? ऑक्सीडेशन इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इन रिएक्शन। इसी रिएक्शन में ऑक्सीजन को ऐड कर देंगे तो वो ऑक्सीडेशन है। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल है 2HNO2 ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, 2HNO3 बना रहा है। ये हमारा था ऑक्सीडेशन रिएक्शन इज क्या है, इसमें हमने ऑक्सीजन ऐड कर दिया। एक और आता है हाइड्रोजन इज रिमूव्ड। पेपर में ये क्लासिकल से पूछता है, हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। एग्जाम्पल देखिए, जिंक में HCl डाला तो क्या बना? ZnHCl प्लस हाइड्रोजन। क्या हो रहा है? हमारा हाइड्रोजन बेसिकली कम होता चला जा रहा है, हाइड्रोजन इज बिकमिंग लेस ड्यूरिंग द रिएक्शन। ये देखिए ना, समझ में आया। और एक आता है ऑप्शन हमारा इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, बस आपको बेसिकली इन के बारे में आपको ज्यादा नहीं देखना है। आपको मेन जो चीज है, आपको बस डेफिनेशन को ध्यान रखना है कि मॉडर्न कॉन्सेप्ट में आपको क्या है, क्या क्या हम उसको कहते हैं। एग्जांपल्स आप नजर मान लीजिए, ये कुछ एग्जांपल्स हैं। इलेक्ट्रो पॉजिटिव मतलब जो लेस इलेक्ट्रो नेगेटिव है। ये देखिए ना, इस रिएक्शन में क्या हुआ, सोचिए इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कौन सा रिमूव हो रहा है। आपको मेनली आपको चीज मॉडर्न कॉन्सेप्ट में बस डेफिनेशन पे ध्यान देना है। ये है हमारा क्लासिकल, जो पेपर में ये क्लासिकल वाला है, और ये हमारा मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। वैलिड दोनों है, बट जो हमारा मॉडर्न कॉन्सेप्ट है पेपर में, ये स्टेटमेंट और ये वाली स्टेटमेंट कई बार पूछी गई है, ये तीनों ही वैलिड हैं। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं ऑक्सीडेशन के। और एग्जांपल नंबर 1 हम लेके चले कुछ एग्जांपल। तो आप ये देखिए, सोडियम है, सोडियम क्या हुआ? Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, या फिर हमने दे दिया स्क्रॉन्शियम प्लस 2, फिर क्या बना? स्क्रॉन्शियम प्लस 4 गिविंग 2 इलेक्ट्रॉन्स।
तो जब भी हमारा क्या हो रहा है इस वाले केस में, हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0 से +1 जा रहा है, इसमें क्या है, +2 से +4 जा रहा है, अगर पेन चेंज करते हैं तो इसमें इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर, ये बढ़ रहा है ना हमारा चार्ज, और चार्ज और भी कह सकते हैं कि और पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज इन, तो वो कौन सी रिएक्शन होगी, वो हमारी होगी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो अब सवाल आता है कि रिडक्शन रिएक्शंस क्या हैं, तो वो भी देखते हैं। ये है रिडक्शन, रिडक्शन का मतलब क्या है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट कहता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो है हमारा रिडक्शन। और क्लासिकल में हम कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं, जैसे हमने उसमें डिस्कस करा था, वो कहता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, उसको बोलेंगे हम रिडक्शन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में हर बार आता है किसी ना किसी रूप में, रिएक्शन सही है कि गलत है। नाइट्रोजन अगर 3 हाइड्रोजन के साथ बनेगा तो अमोनिया बनेगा, बैलेंस नहीं है, इसको मैं बैलेंस कर देता हूँ, यहाँ पे 2 लगा देंगे, ये हो गया हेबर्स प्रोसेस की रिएक्शन। क्या हो रहा है, हाइड्रोजन ऐड हो रहा है ना रिएक्शन में, और आता है अगला लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की आप एग्जाम्पल देखिए, Fe2O3 +2 एल्यूमिनियम क्या दे रहा है, 2 Fe+ Al2O3। और एक ऑप्शन देखते हैं, एडिशन ऑफ, हमने उसमें इलेक्ट्रो पॉजिटिव करा था ना, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट उसमें निकल रहा था, इसमें क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। आप इसको एग्जांपल देखिए, कॉपर क्लोराइड प्लस कॉपर गिव्स Cu2Cl, तो एडिशन हो रहा है ना इलेक्ट्रो पॉजिटिव, कॉपर था ना यहाँ पे ज्यादा पॉजिटिव, या क्लोरीन, सोचो यार कॉपर था ना, ऐड हो रहा है ना, ये मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव था। इसके कुछ एग्जांपल्स देखिए, और तो रिडक्शन के कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कि अगर हम लिखते हैं नाइट्रोजन +3 इलेक्ट्रॉन, तो ये कौन सी रिएक्शन हमें, ये हमारी रिड्यूसिंग रिएक्शन है, क्योंकि क्योंकि यहाँ पे 0 से -3 आया है। वैसे ही आप ये देखिए, एल्यूमिनियम +3 +3 इलेक्ट्रॉन्स, ये ढंग से एक बार मैं दोबारा लिखता हूँ, ये हमारा यहाँ पे +3 क्या बना है, एल्यूमिनियम बना हमारा, पर ये 0 है ना, तो ये +3 से किसमें गया, 0 में गया ना, रिड्यूस ही हो रहा है। एक एग्जांपल देखिए, Fe+3 से 1 इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद Fe+2 बना, तो क्या है, +3 से +2, तो वो रिएक्शंस वो जिसमें क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज, आप देख रहे हैं ना, पॉजिटिव चार्ज डिक्रीजेस एंड क्या होगा, नेगेटिव चार्ज इंक्रीजेस, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे आप रिडक्शन रिएक्शंस। तो ये था बेसिक हमारा कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन की रिएक्शन क्या होती है। ये जो हमने क्लासिकल के बारे में डिस्कस करा है, पेपर में कई बार पूछा जा चुका है, तो आप इसको अच्छे से याद कर लेना कि पेपर में ऑप्शन आएगा इसमें से कौन सा सही नहीं है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जैसे ऑक्सीडक्शन तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, बट जब आप ऑक्सीडेशन में आते हैं तो वो क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये चीज़ भी पेपर में ऑप्शंस में आएगा, तो ये बहुत बेसिक है। अगली वीडियो में हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन एजेंट्स, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हो, अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में
सकते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।